हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है ट्राइबल्स दिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, मतलब जो भी ट्राइबल चीफ्स थे उनको क्या हो गया। अब आप बोलोगे कि अभी तो हमने ट्राइबल चीफ्स के बारे में जाना भी नहीं और उनको कुछ हो भी गया, तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ट्राइबल चीफ्स होते कौन है, मतलब जो ट्राइबल चीफ्स है वो उनका क्या रोल होता है, वो क्या काम करते हैं ट्राइबल सोसाइटी के अंदर। और बाद में हम देखेंगे कि जो ट्राइबल चीफ्स है उनकी जो पोजीशन होती है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर आ जाता है। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने सेटल्ड कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस किया था, मतलब हमने देखा था कि कुछ ट्राइबल पीपल जो थे वो क्या करते थे, सेटल्ड कल्टीवेशन को परफॉर्म करते थे। वो एक जगह पे सेटल्ड हो जाते थे और फिर वहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया करते थे। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स के बारे में। पहले तो हम जान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनकी क्या पोजीशन थी, वो क्या काम करते थे हमारी पूरी ट्राइबल सोसाइटी के अंदर। तो जो भी ट्राइबल चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पर्सन। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्या है, एक जंगल है, अब उस जंगल के अंदर मान लेते हैं कि 100 घर है, सभी ट्राइब्स रहते हैं, तो 100 फैमिलीज है ट्राइब्स की। अब उन 100 फैमिलीज के अंदर कोई एक आदमी जो कि सबसे बुजुर्ग होगा, जिसके पास में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा, जो कि थोड़ा बहुत हेल्दी भी होगा, तो उसको क्या बना देंगे, वहाँ का सरदार बना देंगे, वहाँ का मुखिया बना देंगे, तो वही क्या कहलाता है, वही ट्राइबल चीफ्स कहलाता है। एक ट्राइबल सोसाइटी होती है उसके अंदर एक ऐसा पर्सन जिसके पास में नॉलेज ज़्यादा हो, जो कि थोड़ा बहुत हेल्दी हो, तो वो उसके बाद बस और वो जो है सभी ट्राइबल पीपल्स, दूसरे जितने भी ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनसे अलग होता है। जैसे उसके सर के ऊपर कुछ कलरफुल से हेड गियर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है ट्राइबल चीफ्स के पास में। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, सभी जितने भी ट्राइब्स होते हैं वो ट्राइबल चीफ्स की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। किनके पास में, ट्राइबल चीफ्स के पास में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो वहाँ की मुखिया है, तो सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ट्राइबल चीफ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, सभी उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। हैड इकोनॉमिक पावर, अब ये जो भी जितने भी ट्राइबल चीफ्स थे उनके पास में इकोनॉमिक पावर होती थी, मतलब पैसों से रिलेटेड जितने भी पावर्स थी वो भी ट्राइबल चीफ्स के पास में हुआ करती थी। वो बताते थे कि इस सामान, जैसे मान लेते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी को कोई ना कोई सामान तो चाहिए, तो जो भी ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे वो बताते थे कि इस सामान के कितने पैसे लगेंगे, उसके कितने पैसे लगेंगे, तो ट्राइबल चीफ्स के पास में इकोनॉमिक पावर भी हुआ करती थी। एंड राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन की भी पावर हुआ करती थी, मतलब प्रशासन की। जैसे मान लेते हैं कि दो ट्राइबल पीपल्स के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को सॉल्व करने का काम भी ट्राइबल चीफ्स के पास में होता था। तो ट्राइबल चीफ के पास में इकोनॉमिक पावर भी होती थी और ट्राइबल चीफ के पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हुआ करती थी। एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, और जो भी ट्राइबल चीफ्स था उसका पूरी उसकी जितनी भी टेरिटरी है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ट्राइबल चीफ है वो कि इतनी दूर का ट्राइबल चीफ है, तो इस पूरी इतने पूरे एरिया के अंदर उस ट्राइबल चीफ का कंट्रोल हुआ करता था। वो सारी चीज़ों को देखा करता था कि वो हमारे मेरे पूरे मोहल्ले में जो भी कल्टीवेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी पावर होती थी, इकोनॉमिक की भी पावर होती थी, और वो जो भी एरिया है उसके अंदर जो भी टेरिटरीज होती है उसके ऊपर कंट्रोल भी ट्राइबल चीफ का रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्राइबल चीफ्स थे वो कौन हुआ करते थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे, इनके पास में बहुत सारी पावर हुआ करती थी, लोग ट्राइबल चीफ को रिस्पेक्ट देते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में क्या होता है ट्राइबल चीफ की पोजीशन के ऊपर। तो आप अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंदर ट्राइबल चीफ की पोजीशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो पावर एंड फंक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ चेंजेस। जो ट्राइबल चीफ जो होते हैं उसकी जो पावर होती है और जितने भी फंक्शन होते हैं वो बदल जाते हैं, मतलब पहले ट्राइबल चीफ के पास में जो पावर हुआ करती थी वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद में चली जाती है, या फिर पहले जो फंक्शन ट्राइबल चीफ जो है वो परफॉर्म किया करता था ब्रिटिशर्स के आने के बाद में, वो जो फंक्शंस है वो ट्राइबल चीफ परफॉर्म नहीं करते। तो पावर एंड फंक्शन टू ऑफ ट्राइबल
पावर्स थी, जो भी फंक्शंस थे वो चेंज होने लगते हैं, जैसे कि अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे सभी बहुत ज़्यादा चालाक थे। तो क्या होता है, दे अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स। अब जो भी ट्राइबल चीफ होता है उसको ब्रिटिशर्स बोल देते हैं कि हाँ ये जो लैंड है ये आपकी है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप ये जितने भी ये जो भी मोहल्ला है इसके मुखिया आप ही हैं और आप ही रहोगे। तो ब्रिटिशर्स ये बोल देते हैं कि इस पूरे एरिया के मुखिया जो है वो आप ही हैं, हमें आपसे कोई भी लैंड नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको क्या करना होगा। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पहले हुआ करती थी, जो वो दो लोगों का झगड़ा जो है उसको सॉल्व किया करते थे, तो वो सारी जो भी पावर है वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाती है। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भी ट्राइबल चीफ हुआ करते थे उनके खुद की पॉलिसीज और उनके खुद के लॉ हुआ करते थे, तो वो उनके खुद की पॉलिसीज थी और उनके खुद के लॉ थे। वो बोल देते थे कि हमारे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि उनका कोई एक लॉ हो गया कि कोई भी हमारे इस मोहल्ले के अंदर चोरी नहीं करेगा, तो सभी को ये जो कानून है ये मानना पड़ता था, ये ट्राइबल चीफ का लॉ होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में क्या होता है, उनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर होती है वो चली जाती है। ब्रिटिशर्स बोल देते हैं कि आपकी जो लैंड है वो हम आपसे नहीं छुड़ाएंगे, बस आपको हमें जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो आपको हमें देनी पड़ेगी। अब ब्रिटिशर्स आप बोलोगे कि ब्रिटिशर्स ने इनकी लैंड क्यों नहीं ली, इनका जो ये जो ट्राइबल चीफ की इनकी जो ये पोस्ट थी ये ब्रिटिशर्स ने क्यों नहीं ली, क्योंकि जैसे हमने हमारे सेकेंड चैप्टर के अंदर देखा था कि ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट तो मिल गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो किंग था जैसे कि जो मीर जाफर थे उनको किंग बना के रख रखा था, उनको पपेट रूलर बना के रख रखा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो लोग थे, अब ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे, फॉरेन ब्रिटेन से आए थे, तो इंडिया के जो लोग थे वो उनको इतना ज़्यादा जानते भी नहीं थे। अब जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो कॉलोनी है, अब आपकी कॉलोनी में मैं जाके क्या बन जाती हूँ, मैं सेक्रेटरी बन जाती हूँ, तो आप लोग थोड़ी ना तो मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। उसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटेन से आए थे और वो ब्रिटेन से इंडिया के अंदर मान लेते हैं कि आपके क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं, तो जो लोग हैं वो उनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स को भी लगा कि यार ये जो लोग हैं ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ के ही किसी भी एक रूलर को पपेट रूलर बनाना होगा। उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी ट्राइब्स थे उनका जो चीफ हुआ करता था उसको चीफ की पोस्ट से नहीं हटाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा था कि अगर हम इनको चीफ उनकी जो पोजीशन है उसे हटा देंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोग उल्टा की प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थे। तो अंडर ब्रिटिश रूल के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उन्होंने जितनी भी लैंड थी जो ट्राइबल चीफ्स थी उनकी जो लैंड थी वो तो नहीं ली, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर थी वो ले ली, जो भी लॉज बनाएंगे जो भी पॉलिसीज होगी वो अब ब्रिटिशर्स बनाएगी। पहले कौन बनाते थे, पहले ट्राइबल चीफ्स बनाते थे, लेकिन जब वो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय पे क्या हुआ, जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भी ट्राइबल चीफ्स थे जो पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर उनके पास में हुआ करती थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले ली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर। अब जो ट्राइबल चीफ्स थे तो पहले उनके पास में जो अथॉरिटी हुआ करती थी, पहले जो उनका दबदबा था, लोग क्या करते थे, जो ट्राइबल चीफ होते थे उनकी बातों को मानते थे, तो वो सब कुछ ट्राइबल चीफ ने लॉस्ट कर दिया। तो दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर, पहले उनके पास में जो अथॉरिटी हुआ करती थी, पहले जो लोग उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, वो सब कुछ उन्होंने खो दिया। एंड enjoyed amongst their people, जो अथॉरिटी वो पहले enjoy करते थे वो उन्होंने खो दी। एंड वर अनएबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और पहले उनके जितने भी ट्रेडिशनल फंक्शन हुआ करते थे, पहले वो जो भी काम किया करते थे, पहले उनके क्या काम थे ये हमने देख लिया कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। इकोनॉमिक पावर, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो सभी किसके पास में, ट्राइबल चीफ के पास में हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में उनको लैंड तो मिल गई, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो उनसे छुड़ा ली गई। तो बाद में पहले जो भी फंक्शन परफॉर्म किया करते थे ट्राइबल चीफ, वो उन्होंने खो दिए। एक तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी भी खो दी, उन्होंने जो अपना दबदबा था वो भी उन्होंने खो दिया, और ऊपर से जो पहले वो फंक्शन परफॉर्म करते आ रहे थे वो भी उन्होंने खो दिया। तो ये हमने देख लिया कि जो ट्राइबल चीफ्स थे
उनकी पोजीशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो ट्राइबल चीफ्स थे वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में उनकी जो अथॉरिटी थी, जितनी भी चीज़ें थी वो उनसे छुड़ा ली जाती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर थी वो भी ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाती है। तो हमारे वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।